हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गुरुवार के दिन क्यों नहीं लगाना चाहिए साबुन। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग गुरुवार के दिन कई तरह के काम करने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि भाई आज गुरुवार है, ये काम मत करो या फिर ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई नुकसान हो। शायद हो सकता है कि आपके घर में गुरुवार के दिन कोई कपड़े ना धोता हो और ना ही कोई व्यक्ति बाल कटवाने के लिए जाता हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है और गुरुवार के दिन ही ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम मिलकर यही जानने वाले हैं कि गुरुवार को होता क्या है, कि हम ये सब काम क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गुरुवार का दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। वहीं धन की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने पर मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलने लगती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का दिन शुभ कार्यों के लिए शुभ और अशुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए गुरुवार को लेकर कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करके हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के साथ ही ग्रहों की अनुकूलता भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 7 दिनों को हर दिन के ग्रहों के हिसाब से तय किया गया है। उदाहरण के तौर पर सोमवार का दिन चंद्रमा को, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है और इसी तरह से गुरुवार का दिन गुरु का दिन माना जाता है और इसके अलावा इसे नारायण का दिन भी कहा जाता है। दर्शन मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति ग्रह को भारी ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इस दिन भूलकर भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका गुरु आप पर भारी पड़ सके। अगर ऐसा हुआ तो इससे ना सिर्फ दुर्गति होती है बल्कि घर के मुखिया और बच्चों की आयु भी कम हो सकती है। इसके अलावा हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है, अर्थात गुरु ही गृह है जो संतान और पति दोनों के जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए खासकर महिलाओं को गुरुवार के दिन कई काम नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, इस दिन शरीर पर साबुन लगाना, दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन साबुन से नहाने और साफ सफाई करने से और कपड़े धोने से बचना चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह भारी हो जाता है जिससे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ छोड़ सकता है और परिणाम स्वरूप घर की दुर्गति हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए क्योंकि इस दिन बाल धोने से कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है और जिससे महिलाओं का भाग्य उनसे रूठ जाता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन ना तो पुरुषों को बाल कटवाने चाहिए और ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। इसे करने से गुरु ग्रह बहुत कमजोर हो जाता है जिससे उनकी कुंडली में दोष पैदा हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि गुरुवार के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए, इससे अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, जो कि शास्त्र के अनुसार जिस तरह हर इंसान अपने गुरु से कुछ न कुछ नया सीखते हैं और वो गुरु ही होता है जो मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करता है, मनुष्य भी गुरु ग्रह की तरह होता है जिनके होने से ना सिर्फ विद्या मिलती है बल्कि खूबसूरती और धन मान सम्मान और प्रतिष्ठा और अन्य कई तरह की मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, जितना हो सके गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए और ऐसा करने के लिए आप चाहें तो एक दिन का उपवास भी कर सकते हैं या ऊपर बताए गए किसी काम को भी ना करके आप अपने गुरु ग्रह को शांत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि गुरुवार के दिन ये काम करके भी आप अपने गुरु को शांत कर सकते हैं, इसे अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन सफेद चंदन, केसर, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाना चाहिए जिससे गुरु का बल बढ़ता है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुरुवार को घर पर गुड़, घी की धूप या अन्य तरह की सुगंधित धूप लेना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। गुरुवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने गुरु ग्रह को प्रसन्न रख सकते हैं।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में गुरुवार का ये ज्ञान आपको कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।